हेलो मित्रों, आपका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन पर। और आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स का पेपर, मतलब कि क्लास 12th का मैथ्स का पेपर, जो कि त्रैमासिक परीक्षा में अभी अभी पूछा गया था। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आया है, यदि फलन एन से एन यानी कि प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में कोई फलन दिया हुआ है, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में कोई फलन दिया हुआ है और क्या है एफ एक्स इक्वल टू 2x के द्वारा परिभाषित है, तो f कैसा होगा? तो एफ एक्स इक्वल टू 2x के द्वारा परिभाषित है तो आपको बताना है कि ये कैसा होगा। तो आइए देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो डोमेन दिया गया है, तो डोमेन भी क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है। और जो हमारे पास कोडोमेन दिया गया है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। डोमेन यानी कि प्रांत और कोडोमेन का मतलब सह प्रांत, तो ये दोनों हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब हम कुछ इनपुट लेते हैं, ये हम वन लेते हैं, हम टू लेते हैं, हम थ्री लेते हैं। तो वन के कॉरस्पॉन्डिंगली हम यहाँ पर क्या करते हैं, टू आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो क्या है, डबल करने वाला है, 2x है। टू के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं हम तो फोर आ जाएगा। परंतु एक बात हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा और तीन का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा, मतलब कि जो विषम संख्याएं हैं उनका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इस तरीके से यह फलन एकैकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। तो करेक्ट आंसर हुआ इसका फर्स्ट का ऑप्शन बी, एकैकी तो है परंतु यह आच्छादक नहीं है। इंग्लिश में इसे कहेंगे कि ये वन वन तो है बट ये ऑन टू नहीं है, या इसी को बोलते हैं कि ये इंजेक्टिव तो है बट ये सर्जेक्टिव नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय n से लेके R में a कॉमा b, a बराबर b माइनस टू, b ग्रेटर देन c द्वारा प्रदत्त संबंध है, तब बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए, b 6 से बड़ा है तो b जो है 6 से बड़ा है। a b जो पेयर है a कॉमा b में, जो सेकेंड एलिमेंट b है 6 से बड़ा है, तो देखिए पहला वाला हो ही नहीं सकता क्योंकि चार है, छः से छोटा है। ये तीनों में से कोई ना कोई हो सकते हैं। अब क्या कंडीशन कही गई कि जो ए है वो बी से दो कम है, बी की वैल्यू से दो कम है। ओके, तो ये देखिए, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे बी है 8 और 8 से दो कम वैल्यू दी गई है, तो और यहाँ देखता हूँ मैं तो ये 7 से एक कम, ये नहीं है ऑप्शन 8 से, ये तो गलत ही हो गया। केवल एक ही ऑप्शन सूट कर रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज यदि यहाँ पर अगर आप बी को 8 लेते हैं, अगर आप बी को 8 लेते हैं, तो ए बराबर 8 माइनस टू जो कि 6 आ रहा है, और मैं सहमत हूँ इस आंसर से। चलिए अगला सवाल, साइन इनवर्स 1/√2, बच्चों वाला क्वेश्चन, π/4, क्योंकि साइन इनवर्स इसको लिखा जा सकता है साइन π/4, और ये इसके प्रिंसिपल डोमेन यानी कि प्रमुख इसमें है, शाखा में है। साइन साइन इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर आएगा π/4, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। देखिए भाई क्या कह रहा है कि गुणनफल ए बी परिभाषित होगा, तो पहले ए का क्रम लिखिए, ए का क्रम है एम क्रॉस एन और बी का क्रम है क्या, आई क्रॉस पी, आई क्रॉस पी। तो आपको पता होगा परिभाषित होने के लिए ये दोनों समान होने चाहिए, मतलब एन बराबर आई, मतलब इनकी जो मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर की, मैट्रिक्स का क्रम जो है एन बराबर होना चाहिए आई के। तो करेक्ट आंसर है एन बराबर आई, इसमें भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ओके, एक आव्यूह सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह का मतलब जिसको पलट देने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो 2 4 को पलट देंगे तो 2 4 6 8 को पलटेंगे, तो सममित आव्यूह के लिए शर्त क्या होती है, सममित आव्यूह के लिए शर्त होती है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये शर्त हुआ करती है। सममित आव्यूह के लिए जो शर्त होती है वो होती है ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई। ओके, तो देखिए केवल यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, यानी A12 और A21, तो इसका A12 ये है और A21 दो है, दोनों बराबर हैं। बाकी के किसी में भी दो एलिमेंट बराबर नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर आपका सी है सममित आव्यूह के लिए। चलिए यहाँ पर मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ एक बार। ओके, एक बार फिर से मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ये मैंने इसको रीलोड किया, थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज़। चलिए ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन।
तो मित्रों छठवां क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स, तो एफ डैस एक्स का मान होगा। ओहो ये क्वेश्चन तो एफ डैस एक्स पूछा है इन लोगों ने, मतलब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। चलिए तो हम सब लोग जानते हैं कि इसको टी लेके मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये कॉस इनवर्स साइन एक्स है। बट एक मिनट, टी लेके जाने से पहले थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ये क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है। एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स है साइन एक्स, और साइन एक्स को आप लिख सकते हो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। अब ये कॉस इसको एलिमिनेट कर देगा और आपके पास बचेगा पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा और एफ एक्स इक्वल टू हो गया पाई बाई टू माइनस एक्स। अब इसका अवकलन कर दीजिए, तो पाई बाई टू का अवकलन होता है जीरो, वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और एक्स का हो जाएगा माइनस वन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे माइनस वन, जिस बच्चे ने लगाया है उसे जीरो मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट आंसर इसका है माइनस वन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है सही विकल्प चुन करके बताइए। ओ ये तो वही क्वेश्चन में दोबारा आ गया भाई, एक तो कर चुका, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ भाई। इसका आंसर क्या था, एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं, दूसरे का आंसर आया था 6.8, तीसरे का आंसर आया था पाई बाई फोर, चौथे का आंसर आया था एन इक्वल्स टू आई, इसका आंसर था ये वाला, और इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था माइनस वन। चलिए अब इसके बाद टेन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। भाई टेन डंडा मेथड बताई थी मैंने इसकी, डंडा मेथड, सबसे पहले टेन पे डंडा चलाओ, तो टेन पे डंडा चलेगा तो sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस फाइव हो जाएगा, फिर इसके बाद x स्क्वायर पे डंडा चलेगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके कलर पेन की बदलूंगा, कौन सा कलर ले लूँ, थोड़ा सा ब्राइट कलर वाइट ले लेता हूँ, दिख नहीं रहा यहाँ पे मेरे को अच्छे से। ओके चलिए तो sec x स्क्वायर प्लस फाइव इंटू क्या ले लिया, 2x ले लिया, ये हो गया पहला क्वेश्चन। log e की पावर x का अवकलन गुणांक, ओहो शर्म आ रही है, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए, इतना ईजी क्वेश्चन भाई। log x का अवकलन गुणांक पूछ रहे हैं, बताइए आप भी। cos इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, देखिए भाई आपसे डोमेन पूछा गया है, cos इनवर्स x में जो डोमेन है आप x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे पाते हैं, तो आपको याद होगा cos इनवर्स x में जो x बिलोंग्स टू होता है वो होता है माइनस वन टू प्लस वन, क्योंकि इसमें इनपुट आप माइनस वन से लेके प्लस वन देंगे। अगला क्वेश्चन है पंक्ति आव्यूहों में पंक्ति की संख्या, भाई पंक्ति एक होती है, कॉलम चाहे जितने भी हो जाएं, पंक्ति आव्यूह में पंक्ति एक हुआ करती है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है m वन क्रॉस m। ओके पंक्ति केवल एक होती है, स्तंभ चाहे कितनी भी हो जाए। चलिए भैया अगला एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन जीरो से लेके पाई बाई टू में क्या है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो है प्रदत्त फलन जीरो से लेके पाई बाई टू में, चलो ग्राफ बना लो भाई साइन से जीरो से लेके पाई बाई टू का, आप देखिए जीरो से लेके पाई बाई टू में ये आराम कर सकता था, बट हमने पाई बाई टू इस पे ओपन कर दिया, यानी कि खुला अंतराल कर दिया, तो एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ वाई का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब यह फलन जो है यह है वर्धमान, यह फलन वर्धमान है। अगला सवाल दो आव्यूहों का योग क्या ज्ञात करते समय आवश्यक है कि उनकी कोटियां समान हो, ऐसे क्वेश्चन तो भाई बच्चे खा लेंगे दौड़ करके। दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए और बी के लिए आवश्यक है कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, भाई बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, उल्टा चलता है इनवर्स, ये भी सबको बन जाएगा। चलो भाई कुछ अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं इंटीग्रेशन में, तो वही पुराने वाले क्वेश्चंस जो जो सरल दिख रहे हैं पहले वो कर देते हैं। देखिए भाई टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता है, लॉग सेक एक्स होता है ना, हाँ तो छठवें का एफ हो गया भाई, इसका तो लॉग सेक एक्स जो मुझे दिख रहा है पहले मैं वो तो कर देता हूँ। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ओके ओके देन इसके बाद वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में है, मतलब लॉग वाली स्ट्रक्चर बनती है, और ये वाला स्ट्रक्चर जाएगा भाई कौन सा जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा सा ये रूट यहाँ पर पूरा होगा, ओके पहली चीज तो है यहाँ पर ये रूट क्या होगा पूरा होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये जो है ये कौन सा जाएगा, ये देखिए ये तो कंप्लीट ऊपर पावर में आ चुका है, एक सेकंड। ओके स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हो रही है देखने में मुझे, मतलब मुझे देखने में प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो अंडर रूट का फॉर्मूला बनता है वो लॉग ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर,
मतलब ये जो लॉग में तो जाएगा, ये ही इसका आंसर होगा, मगर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्लस होगा, मतलब देखा जाए तो ऑप्शन में स्प्रिंट है, बट इस क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ करता है ये होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो ये मुझे गलत लग रहा है। अगला जो है ऊपर वाला बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो आपका बच गया है आप उसको डिनोट कर दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा बच चुका है, ये आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यस ये आ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन है, तो आप सब लोग जानते हैं कि ई की पावर माइनस एक्स को हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप टी लेके कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। तो डायरेक्ट यदि ई की पावर एक्स का खाली इंटीग्रेशन किया जाए तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आता है, अगर नॉर्मल किया जाए बिना लिमिट लगाए, तो मैं थोड़ा सा इसको रेड पेन से करूँगा जिससे आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आता है, माइनस को तो गोली मारो, लिमिट लगा दो भाई, लिमिट क्या है 0 से लेके इन्फिनिटी, ओके। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस अपॉन ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स और लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए माइनस वन को बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वन अपॉन ई की पावर इन्फाइनाइट माइनस वन अपॉन ई की पावर जीरो, चलिए ये देखिए लिमिट अब मैंने लगा दी है, अब तो वन अपॉन ई की पावर इन्फाइनाइट, ई की ई एक इरेशनल नंबर है 2.71 होता है, तो वन अपॉन ई की पावर इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का वन एंड दिस वुड बी 1/0, ओके सॉरी 1/∞, एंड माइनस वन समथिंग का पावर वन कितना होता है, वन होता है, तो वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया जीरो, तो माइनस वन ब्रैकेट में जीरो माइनस वन फाइनली मल्टीप्लाई होके क्या मिल गया आपको प्लस वन, तो ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आ रहा है प्लस वन, यानी कि यस ये इसका आ गया है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन दिया भाई, ये क्वेश्चन नया दिया है, ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको क्रॉप कर लेता हूं मैं, इसको क्रॉप करके सॉल्व करते हैं, ये देखिए ये मैंने सॉल्व करेंगे अभी, क्या है माइनस वन से लेकर के टू मॉड एक्स है अपॉन एक्स है, तो देखिए आप मॉड एक्स के डेफिनेशन जानते हैं कि जो मॉड ऑफ एक्स हुआ करता है वो होता है पॉजिटिव एक्स कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होता है, और नेगेटिव एक्स होता है कब, जब एक्स इज लेस देन जीरो होता है। तो माइनस टू से लेकर के वन तक जो है ये मॉड एक्स अपॉन एक्स जो है इसको मैं दो पार्ट में तोड़ता हूँ, एक माइनस टू से लेके जीरो तक चलो और फिर भैया जीरो से लेके वन तक चलो, तो माइनस टू से लेके जीरो तक जो मॉड एक्स है वो माइनस एक्स में ब्रेक होगा और अपॉन एक्स बैठे रहो तुम वैसे के वैसे ही, और जो आपका प्लस एक्स है आपका जो मॉड एक्स है जीरो से वन के केस में पॉजिटिव रहेगा बिकॉज जीरो से ग्रेटर है, तो जीरो से ग्रेटर में आपको सीधे क्या मिल जाएगा एक्स अपॉन एक्स मिल जाएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे डी एक्स भी आएगा भाई, इंटीग्रेशन चल रहा है, यहाँ कितना आया माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस एक्स, ओके क्योंकि माइनस वन है ना, माइनस वन का हो गया माइनस एक्स और प्लस कितना हो गया एक्स, यस इंटीग्रेट करने के बाद आप सब लोग जानते हो कि डी एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स होता है, आई होप सभी को बनता होगा ये, तो माइनस टू से लेके जीरो एंड जीरो से लेके वन, चलिए अब लिमिट लगाता हूँ मैं, अपर माइनस बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट एक्स की जगह जीरो और लोअर लिमिट माइनस टू, ओ बट यहाँ पे देखिए बीच में एक और माइनस आएगा क्योंकि अपर माइनस लोअर होता है प्लस, अपर लिमिट वन माइनस जीरो, तो ये हो गया माइनस का दो और एक हो गया प्लस का वन, तो आंसर कितना आया माइनस वन, तो आई थिंक एक ऑप्शन खाली भी है माइनस वन, बिल्कुल सही है, और लॉजिकली देखा जाए तो इसका वन होना था तो इसका माइनस वन होना था, तो सारे आंसर इस तरीके से हमारे मैच हो चुके हैं, यहाँ पे इस तरीके से आंसर होंगे। चलिए मैंने शीट को सेव किया, अब आगे बढ़ते हैं भाई, कॉस 15 कॉस 75 साइन 75 साइन 15, ओके कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी, जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कॉस
कॉस ऑफ ए प्लस बी का, ओके। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए की जगह है 15 और बी की जगह कितना है 75 है, कॉस 15 प्लस 75 दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90। ए प्लस बी का बनेगा बिकॉज बीच में माइनस आता है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो इसका आंसर जिन लोगों ने 0 लिखा है वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो आएगा 0, ए एन एस आंसर इक्वल टू 0। चलिए तो इसका आंसर जो है वो 0 होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टेन इनवर्स 1 का मुख्य मान, लो जी क्या पूछ रहे हो, पाई बाई 4 होता है, ओके। एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका न्यूनतम मान, देखिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान इन लोगों ने पूछा हमसे कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा। एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका न्यूनतम मान क्या होगा, कम से कम मान क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम देने वाला है, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ये है ये है तो ए का मान क्या। अरे भाई क्या कहूँ मैं, मतलब कुछ बचा ही नहीं दुनिया में करने को। ए का मान 3 होगा, ऐसे क्वेश्चन तो बंद हो जाने चाहिए यार, क्या चाहते हो आप, है ना। एक्स के सापेक्ष ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का अवकलज, तो दो फलन का गुणनफल है, तो प्रथम फलन ई की पावर एक्स, ओके। प्रथम फलन कितना हो गया ई की पावर एक्स इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और फिर क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आंसर आ गया इसका। तो ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इसका आंसर है। अगला है टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए और बाहर लगा है, तो ये आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है, पाई बाई 2 होता है, और कॉट पाई बाई 2 का मतलब होता है कॉस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2। एक्चुअली क्या बन गया ये आपके पास बन गया कॉट पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 का मान होता है कॉस पाई बाई 2 बटे साइन पाई बाई 2, यानी कॉस 90 अपॉन साइन 90, जिसको हम क्या लिखते हैं कॉस 90 होता है 0, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 0। ओके पेन थोड़ा सा पतला कर लें, यस। तो कॉस 90 अपॉन साइन 90। अगला क्वेश्चन है ए का मान अगर डिटरमिनेंट 18 है तो एडजॉइंट ए का मान कितना होगा, ओके। तो एडजॉइंट ए का मान कितना होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर एन होता है, और एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, ये हुआ करता है। ये क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, यानी सारणिक, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे 18 की पावर ऑर्डर कितनी है, 2 है, डिटरमिनेंट ए 18 दिया हुआ है, की पावर 2 माइनस वन, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने 18 लिखा है बिल्कुल सही है। चलिए जी पांचवा सवाल पे आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सत्य असत्य बताना है। एफ ए बराबर एफ ई में प्रदत्त फलन एक तुल्यता संबंध है, आर बराबर ए बी, एफ ए बराबर ए बी, ओके। मतलब हमें रिलेशन में कोई ऐसे दो मेंबर दिए गए हैं जो ए कॉमा बी है, और फलन ए पर जो वैल्यू है वो फलन बी पर बराबर है। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ए कॉमा ए क्या सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि एफ ए पर वैल्यू खुद के लिए बराबर होगी, ओके। दूसरी बात करते हैं, एफ ए बी है तो एफ बी भी एफ ए के होगा, मतलब ये कैसा, क्या बोलते हैं, सुसम्मित। पहला क्या हो गया, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं हिंदी में, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, सम्मित भी हो गया, और एफ ए बराबर एफ बी और एफ बी बराबर एफ सी होगा, तो एफ ए बराबर एफ सी भी होगा, तो तुल्यता संबंध है, बिल्कुल भैया सत्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला, sec इनवर्स x की मुख्य धारा 0 से लेके पाई माइनस पाई बाई 2 है। sec इनवर्स x की जो प्रिंसिपल डोमेन है वो 0 से लेके पाई माइनस पाई बाई 2 है। आप देखिए कि sec की वैल्यू कहीं पर पाई बाई 2 आती है क्या, sec की वैल्यू कहीं पर पाई बाई 2 आती है क्या, मतलब कि sec का कोई मान। अब देखो एक चीज, cos x जो sec x होता है ना इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, तो sec का मान अनंत कब होता है, जिस समय x की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, जिस समय x की वैल्यू पाई बाई 2 होती है तो cos पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos 0 पर ये पाई बाई 2 पर ये अनंत हो जाएगा, यानी sec x इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब उस पॉइंट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो 0 से लेके पाई और पाई बाई 2 रिमूव कर दिया, बिल्कुल सही है, ओके। अगला, अगली वैल्यू देखते हैं, प्रत्येक सेक्स जीरो पे वन, ठीक है, हाँ जी।
अगला, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रत्येक अवकलनीय अगर उसका अवकलन हो रहा है तो उसका मतलब वो सतत होगा। अगला क्वेश्चन, फलन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, फलन जीरो से लेकर टू में वर्धमान है। भाई देखिए भैया, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स जीरो से लेकर टू में वर्धमान है, तो दो तरीके इसको करने के हैं। या तो आप इसको उस मेथड से कर लीजिए, आप इसका एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, तो जो मुझे ज़्यादा सही लग रहा है वही मैं कर देता हूँ। इसका मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ, तो फलन क्या है, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। चलो भाई इसको सॉल्विंग कॉर्नर पे ले चलते हैं, सॉल्व करते हैं। फलन का मान है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। आइए भैया डी वाई डी एक्स करते हैं, तो प्रथम फलन है एक्स स्क्वायर और द्वितीय फलन का अवकलन गुणांक हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, प्लस द्वितीय फलन ई की पावर माइनस एक्स और इसका हो गया टू एक्स। चलिए ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स कॉमन है और यहाँ पर क्या आ गया टू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जीरो से लेकर टू के बीच का कोई वैल्यू ले लो, वन ले लो यार, और वन पुट कर दो, तो ई की पावर माइनस वन और टू वन जा टू माइनस वन का स्क्वायर, तो वन अपॉन ई पॉजिटिव है और ये भी क्या है टू माइनस वन पॉजिटिव है वन, मतलब ये टोटल क्या आ रहा है धनात्मक आ रहा है, और धनात्मक आ रहा है मतलब वाकई में ये क्या होगा वर्धमान होगा, क्योंकि वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स का मान क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा अर्थात धनात्मक, और यहाँ धनात्मक आ भी रहा है तो कोई मुसीबत नहीं है, बिल्कुल सही चल रही है गाड़ी, एकदम सही चल रहा है सारा कंसेप्ट। ये क्या होगा वर्धमान है, हाँ जी ये वर्धमान है, तो ये भी आंसर है, हाँ सत्य है। ये भी क्या प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है क्या, बिल्कुल सही बात है, ये भी सत्य है, ऊपर वाला भी सत्य है। ओके ये भी हो गया, कॉस टू एक्स का अवकलन गुणांक साइन टू एक्स होता है, बिल्कुल गलत, कॉस टू एक्स का अवकलन गुणांक साइन टू एक्स होता है, ना 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 ना, ना। स्तंभ आव्यूह व्यू में स्तंभ की संख्या एक होती है, बिल्कुल सही बात है, स्तंभ आव्यूह में स्तंभ एक ही होते हैं, कतारें चाहे जितनी भी हो जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो पहले तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव वाला, इस फाइल को अपलोड करते हैं, इसके बाद में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। आप बताइएगा कैसा लगा हमारा ये सेशन, आपको हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।